हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित हो चुका है और कितने पर इसकी मेरिट रही है स्टेज वन की, क्योंकि यह स्टेज वन था, इसके बाद स्टेज सेकंड होगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की जनरल की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, एससी कट ऑफ और एसटी की कट ऑफ कितने पर रही है इस बार। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप कंपटीशन से संबंधित प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन सुविधा आप मिलेगी। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की मैट के बारे में डिस्कशन करते हैं और बताते हैं आपको क्या रहा है इस बार कट ऑफ। तो दोस्तों, हमने लगभग 100 विद्यार्थियों के सर्वे पर यह कट ऑफ आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने पोस्ट किया था और जाना था कि सेलेक्टेड बच्चों का जो मार्क्स हैं वो कितने तक गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मार्क्स बता रहे हैं कि 100 नंबर का, देखिए 100 नंबर का यहाँ पर पेपर था आपका, 100 नंबर का पेपर था और उसमें जो है आपके रीजनिंग, मैथ, जीके जो है आपसे और इंग्लिश पूछी गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जनरल का जो है लगभग 93+ जो है मेरिट रहा है, 93+ जो है मेरिट रहा है जनरल का इस बार हाई कोर्ट का, जो पिछली बार से 2 नंबर कम कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो है आपका 95 पर रहा था। ओबीसी की यदि हम बात करते हैं, ओबीसी कितना रहा है तो लगभग 89+ आपका ओबीसी गया है इस बार। और यदि हम बात करें एससी की तो एससी भी आपका जो है वो 85+ जो है यहाँ पर गया है, एससी भी 85+ यहाँ पर गया है। और एसटी की यदि हम बात करते हैं कि एसटी कितने पर रहा है तो लगभग जो है आपका 70+ जो है एसटी रहा है। दोस्तों, यह जो हमने यहाँ पर कट ऑफ आपको बताई है, ये काफ़ी बच्चों के सर्वे पर आधारित है। और यदि आपको यह लगता है कि यह गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपका सलेक्शन कितने पर हुआ है या कितने नंबर आपके थे और आपका सलेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जो है हम केवल आपको जो विद्यार्थियों के बताए हुए बता रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ने कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया है। बोर्ड ने नहीं बताया कि पेई के लिए कितने मार्क्स पर या कितनी प्रतिशत पर जो है सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो हम इसलिए लाए हैं क्योंकि बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इसकी कट ऑफ के बारे में बताइए, सर्वे करवाइए कि इसकी कट ऑफ कितने पर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।